संगत जी मेरे साथ जरूर बोलें जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी सबसे पहले गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना और आप सभी प्यारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना किस लिए कि जो मैंने लास्ट वीडियो अपनी पोस्ट की थी जिसमें मैंने बताया था कि गुरु जी के जो मैसेजेस आते हैं हमें उनके ऊपर कितना विश्वास करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। संगत जी मैंने बताया आपको कि जो हमारी सोशल मीडिया है उसमें आजकल इतना मिसकम्युनिकेशन चल रहा है जिसकी वजह से संगत जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाती है कि हमें किस पे विश्वास करना है किस पे नहीं करना है। संगत जी सबसे पहले तो आपको किसी भी वहम में नहीं पड़ना है। जो सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट्स आए वो उसमें यही लिखा था कि ब्लैक मैजिक के ऊपर आजकल इतना लोगों को कन्फ्यूज़न है, सबके पास मैजिक मैसेज आता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है। संगत जी सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझें कि सारी संगत के ऊपर ब्लैक मैजिक हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर चलो ठीक है, मान लिया कि ठीक है किसी की फैमिली में ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आई और आपके फैमिली में प्रॉब्लम आ गई, फिज़िकली मेंटली फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम लगी, ठीक है मान सकते हैं। संगत जी देखो हम सिचुएशन का नहीं पता कि किस संगत के साथ क्या सिचुएशन है, पर मैं ये कहूँगी संगत जी जब आपके घर में गुरु जी का स्वरूप आ गया, जिस दिन गुरु जी का स्वरूप आ गया, जब आपने गुरु जी को मानना शुरू कर दिया, उस दिन से ही आपके घर में जो ब्लैक मैजिक है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ख़त्म हो जाता है मतलब कि जब गुरु जी आ गए तो उन सब चीज़ों पे आप क्यों विश्वास कर रहे हैं। आप गुरु जी के सामने बैठें, उनको बोलें कि गुरु जी अब आप जानो आपका काम जाने, ब्लैक मैजिक हो कुछ भी हो सिर्फ आपने सब कुछ अपने हिसाब से देखना है, आप मत पढ़िए उस पर विश्वास मत करिए, प्लीज़ इन वहमों से दूर रहें। क्योंकि अगर ब्लैक मैजिक मैजिक जैसी कोई चीज़ आ रही है तो वो भी आपकी गुरुजी के आने से ठीक हो जाती है। जहाँ पर गुरुजी आ गए, जहाँ पर साक्षात भगवान शिव आ गए, तो ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ कहाँ उसमें कुछ कर पाएगी, वो सब निष्फल हो जाता है। इस चीज़ को रखो। सबसे बड़ा आपका जो उपाय है वो ये है कि आपको मंत्र जाप चला के रखना है। दूसरा ब्लैक मैजिक के उपाय के लिए इतने मैसेजेस होते हैं कि सब अपने मंदिर में से सिंदूर निकाल दे, तेरे मंदिर में दो चीज़ें पड़ी हैं, तेरे घर में दो चीज़ें पड़ी हैं, वो चीज़ों को आपको बिल्कुल बिलीव नहीं करना है। क्योंकि मैंने कहा बार बार संगत जी वहमों में नहीं पड़ना है, कोई भी वहम नहीं रखना है। संगत जी आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर में मंत्र जाप चला के रखें, आपके घर में पॉजिटिविटी अपने आप आ जाएगी। गुरु जी के ऊपर पूरा विश्वास करें, 100% उनके सामने सरेंडर कर दें कि गुरु जी मेरे घर पर ब्लैक मैजिक हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे बुरे कर्म हैं या मेरे पुराने जो भी कर्म हैं, जो भी कष्ट है, प्लीज़ आप अपने आप देखो। गुरु जी बार बार कहते हैं कि 100% सरेंडर आप करें, गुरु जी का मंत्र जाप चला के रखें। संगत जी आप देखें, गुरु जी के ऊपर पूर्णतः विश्वास करें, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि सडनली एकदम से मतलब आपके घर में जैसे प्रॉब्लम रहती थी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। संगत जी सब चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, जब आपका बिल्कुल सही टाइम आएगा गुरुजी हर चीज़ आपको देंगे, सारे सुख आपको देंगे, सब चीज़ें देंगे, फिज़िकली मेंटली फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम है सब ठीक होगी, गुरुजी सब ठीक करेंगे। बस थोड़ा सा विश्वास करें, 100% सरेंडर करें, वहमों से दूर रहें और गुरुजी का मंत्र जाप करें मैक्सिमम टाइम सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप। मैं बार बार अपनी वीडियो में बोल रही हूँ कि आप मंत्र जाप करें, अपना माइंड जो है वो पॉजिटिव रखें, गुरुजी के लिए पॉजिटिविटी रखें अपने पास और अपने गुरुजी के ऊपर विश्वास रखें, गुरुजी सब ठीक करेंगे। ठीक है संगत जी, तो इन वहमों से दूर रहें कि आपके घर में दो चीज़ पड़ी हैं, तीन चीज़ पड़ी हैं, सिंदूर निकाल दें, प्लीज़ वहमों से दूर। गुरुजी बार बार यही कहते हैं मैं आपको वहमों से दूर करने आया हूँ, तो आप वहमों से दूर रहें। बस मैं आपको ये कहूँगी गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, उनके स्वरूप के सामने बैठो, आप बैठ के देखो, 10 मिनट आप बैठना शुरू करोगे ना आपका मन अपने आप जुड़ेगा। आप गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठें, उनसे बातें करें, वो आपकी ज़रूर सुनते हैं और सुनने के बाद जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको अपने आप मिलेगा। देखना आपको पॉजिटिव मैसेजेस अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। संगत जी बस यही करना है आपको और मंत्र जाप करना है, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन, 100% सरेंडर और मंत्र जाप। ठीक है संगत जी, प्लीज़ इस चीज़ में थोड़ा सा गुरु संगत के नाते, गुरु परिवार के नाते आप सपोर्ट करें, गुरुजी अपने आप सब ठीक कर देंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को मेरी तरफ से शुक्राना गुरु जी। ये मेरा फर्स्ट सत्संग है आप लोगों के साथ जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं गुरु जी से सबसे पहले
फेसबुक के माध्यम से शायद 6-7 महीने हो गए हैं जहाँ से मेरा जुड़ाव चालू हो गया है। बस उनकी फोटोग्राफ्स मैं देखती थी फेसबुक पे और पता नहीं कैसे कनेक्ट हो गए। एक्चुअली मैं शिव जी को मानती हूँ और गुरुजी ने ऐसे ही मुझे अपने से कनेक्ट कर लिया। उनका आश्रम छतरपुर में है जो कि मेरे घर से काफ़ी दूर है। मैं इंदिरापुरम में रहती हूँ और मैं सोचती थी, पता नहीं, मेरा बहुत मन करता था छतरपुर जाने का, बट मैं ये सोचती थी कि पता नहीं गुरुजी मैं कैसे आ पाऊंगी, मैं किसके थ्रू आ पाऊंगी मुझे नहीं पता, आप ही कोई मतलब रास्ता दिखाइएगा और कब बुलाएंगे मुझे ये भी नहीं पता। मेरे अंकल जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पर उनके एक कलीग हैं तो वो गुरुजी को मानते होंगे, तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा टेंशन में देखते थे तो वो बोले कि आप बड़ी टेंस रहते हैं तो आप प्लीज़ वहाँ छतरपुर में आश्रम है बड़े मंदिर के नाम से जहाँ गुरुजी का आश्रम है बहुत फेमस है, वहाँ आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप एक बार जाकर देखिए, मेरे कहने से आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। और उन्होंने अपने फ़ोन पे गुरुजी की फ़ोटोग्राफ दिखाई तो मेरे अंकल ने देखी तो वो बोले कि अरे ये तो मेरी वाइफ भी मान रही है आजकल इन्हें, तो आकर इन्होंने मेरे से ऑफिस से अपनी बात शेयर की। फिर अपने आगे से मेरे अंकल मेरे पीछे पड़े कि चलो गुरुजी का आश्रम चलना है। मैंने कहा ठीक है, इससे अच्छी बात और क्या है, क्योंकि मैं चाहती थी कि, और मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी मेरे घर के मेंबर को ही मेरा जाने का माध्यम बनाएंगे। तो हम लोग ऐसे करके अभी 7 टाइम तो गुरुजी के आश्रम जा चुके हैं, मतलब एक बार गए फिर दूसरी बार तीसरी बार, और बहुत श्रद्धा के साथ जाते हैं। मेरे अंकल को भी बहुत श्रद्धा हो गई है गुरुजी में, हम बहुत तहे दिल से गुरुजी का शुक्रिया अदा करेंगे कि गुरुजी ने हमें अपने से कनेक्ट किया। आज चाहे हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, हमें गुरुजी इतना स्ट्रांग बनाते हैं, अपने हर प्रॉब्लम में हमें इतना सपोर्ट करते हैं, हमें मेंटली फिजिकली हर चीज़ से हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब मैं मानती हूँ दिल से कि बहुत बड़ी पावर है कि जो हमें इतना स्ट्रांग बनाती है जैसी भी हमारी कंडीशंस हों। और मैं बहुत खुश हूँ और मेरे अंकल भी बहुत खुश हैं और मेरी डॉटर भी है, वो भी गुरुजी को मानती है, हम तीनों गुरुजी को मानते हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगता है गुरुजी से जुड़कर। मैं बस अभी अपना वाणी को विराम देना चाहूँगी, ये मेरा फर्स्ट सत्संग है और मैं जल्द ही अपना सेकंड सत्संग भी आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि गुरुजी ने बहुत मतलब ऐसी चीज़ें मेरे साथ करी हैं लाइफ में कि मुझे बहुत मतलब ये फील होता है कि गुरुजी मतलब बहुत अनंत अपार शक्ति है, जो कि हम भाग्यशाली हैं कि जो गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ा। बस मैं यही चाहती हूँ कि कुछ भी क्षमा हो, कुछ भी हमसे अगर गलती हो जाए तो गुरुजी अपने बच्चा समझ के हमें माफ़ कर दें और अपने से मतलब अंतिम सांस तक जोड़े रखें। कोटि कोटि धन्यवाद सभी को मेरा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।